ये तस्वीरें अब आपको हम जो दिखा रहे हैं ये ऐसे पेट्रोल पंप की हैं जहां पर थोड़ी सी लापरवाही के चलते एक बड़ा धमाका हो गया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर किस तरह से धमाका हुआ। दरअसल थोड़ी सी लापरवाही के चलते ही ये धमाका हो गया। बसंत कुंज के एक पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं। ये धमाका उस समय जो हुआ जब एक गाड़ी वहां पर पहुंची हुई थी जो कि पेट्रोल भरवा रही थी, और पेट्रोल भरवाते समय जब पाइप बाहर नहीं निकाला गया था और गाड़ी जो थी वो आगे की तरफ चल दी, और इसी वजह से वहां पर जो मशीन लगी हुई थी जिसके साथ ये पाइप जुड़ी हुई थी वहां पर वो मशीन जो है वो टूट गई, और इसकी वजह से एक बड़ा धमाका वहां पर हो गया। दो लोगों को एक तरह से जख्मी हुए हैं, झुलस गए हैं इसकी आग में। बताया जा रहा है कि गाड़ी यहां पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। हमारे संवाददाता इस वक्त शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहाबुद्दीन, कैसे यह हादसा हुआ? तस्वीरों में तो देखकर हम उसके बाद की तबाही को देख पा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था? शहाबुद्दीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, फुटेज हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। दरअसल पेट्रोल भरवा रही थी ये गाड़ी और पाइप अभी नहीं निकाला गया था, उस दरमियान ही ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो गई और अचानक जिस मशीन के साथ ये पाइप लगा हुआ था वो टूट गई, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक यहाँ पर आग लग गई। ये आप देखिए पेट्रोल निकल रहा है क्योंकि मशीन टूट गई है, और इसी दरमियान वहां पर धमाका हुआ, आग लग गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। शहाबुद्दीन, थोड़ी सी लापरवाही और एक बड़ा हादसा। जी बिल्कुल ठीक, आपने जिस तरीके से ये जो ड्राइवर है अगर इसकी इसी लापरवाही है। जी शहाबुद्दीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब तक हम अपने संवाददाता से बात करते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बसंत कुंज के एक पेट्रोल पंप की। थोड़ी सी लापरवाही के चलते वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक गाड़ी वहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले कि वहां पर जो कर्मचारी रहते हैं वो पेट्रोल भरने के बाद पाइप को बाहर निकालते, गाड़ी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसे में जिस मशीन के साथ वो पाइप लगी हुई थी वो मशीन टूट गई और अचानक से बहुत सारा पेट्रोल बाहर आ गया और शॉर्ट सर्किट वहां पर हुआ है उस मशीन में, जिसकी वजह से आग लगी है। फिलहाल यही बताया जा रहा है, थोड़ी सी लापरवाही और बड़ा हादसा। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और जैसे तैसे इस आग पर काबू पाया गया है। 2 कर्मचारी इस पेट्रोल पंप के बताए जा रहे हैं जो कि इस आग में झुलस गए हैं। दिल्ली के बसंत कुंज के एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कैसे यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं गाड़ी पेट्रोल की पाइप उसके साथ लगी हुई है, पेट्रोल की टंकी में वो पाइप लगी हुई है और उसी हालत में आगे की तरफ बढ़ गई, और ऐसे में जिस मशीन के साथ ये पाइप जुड़ी होती है मशीन खिंचकर टूट गई और पेट्रोल भरभरा कर बाहर आने लगा। पेट्रोल के कर्मचारी जब तक वहां पहुंचते, जाहिर सी बात है मशीन थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसीलिए शायद शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही, जिसकी वजह से आग लग गई और एक बड़ा हादसा एक छोटी सी लापरवाही के चलते। शहाबुद्दीन से बात करने की कोशिश करते हैं। शहाबुद्दीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मशीन टूटने की वजह से धमाका हुआ। जिस मशीन के साथ पेट्रोल की पाइप लगी हुई थी वो उखड़ गई क्योंकि गाड़ी जो थी वो पेट्रोल की टैंकी में जब भी पाइप लगी हुई थी उसी दरमियान आगे बढ़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लापरवाही आखिर किसकी रही? क्या गाड़ी का मालिक पैसे अदा कर चुका था और उसे लगा कि पेट्रोल की पाइप निकाल ली गई है और टैंकी को बंद कर दिया गया तब वो आगे बढ़ा, या कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था? लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन एक बड़ा हादसा, और जाहिर सी बात है पेट्रोल पंप है, वहां पर पेट्रोल पंप में जमीन के नीचे कुओं में पेट्रोल रखा जाता है, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। 2 कर्मचारी बताया जा रहा है जो कि इस आग में झुलस भी गए हैं। दिल्ली के वसंत कुंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वसंत कुंज के पेट्रोल पंप पर यह हादसा कैसे हुआ। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। शहाबुद्दीन,
किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अगर पेट्रोल पंप के मालिकों से आपकी बात हुई हो, वहां मौजूद कर्मचारियों से अगर आपकी बात हुई हो। हादसे में दो लोग जख्मी भी हुए हैं, झुलस गए इस आग में, जो कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। लेकिन किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ? बिना पाइप निकाले ही आगे गाड़ी जो है वो आगे कैसे बढ़ गई? क्या ड्राइवर जो था इस गाड़ी का, उसने पैसे अदा कर दिए थे और उसे लगा कि पेट्रोल भर चुका है, ऐसे में टैंकी को बंद कर दिया गया होगा, वो आगे बढ़ गया? कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं थे क्या, जिसने ध्यान नहीं दिया कि पेट्रोल अभी भरा जा रहा है और नोजल बंद नहीं किया गया है? क्या इस वजह से हादसा हुआ? आखिर किसकी लापरवाही से हादसा हुआ? दिल्ली के वसंत कुंज के पेट्रोल पंप की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। छोटी सी लापरवाही, चाहे वो गाड़ी के ड्राइवर की रही हो, जिसने कि ध्यान ही नहीं दिया कि पाइप बाहर निकाल लिया गया है, पेट्रोल भर चुका है और तब उसे आगे गाड़ी बढ़ानी चाहिए, या फिर कर्मचारी की जो वहां मौजूद था, जिसने पेट्रोल भर जाने के बावजूद पाइप को बाहर नहीं निकाला, टैंकी को बंद नहीं किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। एक छोटी सी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा, दिल्ली के वसंत कुंज। दो कर्मचारी जो पेट्रोल पंप के हैं वो इस आग में झुलस गए हैं। ये देखिए, अचानक भरभराकर तेल बाहर निकलने लगा, जब तक उसे बंद किया जाता तब तक शॉर्ट सर्किट हो चुका था। और ये कर्मचारी जो वहां पहुंचा, ये देखिए, यही आग की चपेट में आ गया। दो कर्मचारी झुलस गए हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की यह घटना है। पेट्रोल भराते वक्त ही ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल वहां पर बिखर गया। और सबसे अहम बात यह कि दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई, कैसे हादसा हुआ? क्या जो गाड़ी का मालिक था, जो ड्राइवर चला रहा था, उसे गलतफहमी हो गई कि शायद पेट्रोल भरवा लिया गया है? जी बिल्कुल, ये वसंत कुंज इलाके की घटना जो है, करीब 10:30 बजे की घटना है सुबह की। उस वक्त काफी रश रहता है पेट्रोल पंप से आने जाने वालों का। ये गाड़ी वाला जो वहां पहुंचा, तो उसने जो पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी थे जो पेट्रोल भर रहे थे, उन्होंने पाइप लगाया और उसके बाद वो बिलिंग कराने के लिए जब वो वहां से मूव होते हैं, उस वक्त पेट्रोल जा ही रहा होता है गाड़ी में। लेकिन इस गलतफहमी हुई गाड़ी वाले को कि शायद पेट्रोल पूरी तरीके से भर गया और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी आगे बढ़ाते ही अचानक बहुत तेज फोर्स में जो पेट्रोल गाड़ी में जा रहा था, वो पेट्रोल सीधे नीचे गिरने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। और वहां पर जो पेट्रोल पंप के जो लोग थे, दो कर्मचारी थे, वो दोनों बुरी तरीके से झुलस गए। तो इसमें ऐसा कोई वहां पर मौजूद नहीं था जो गाड़ी वाले को रोकता, जो बताता। तो पूरी तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पे कोई ना कोई, उस वक्त जब पेट्रोल भरा जाता है, वहां कोई ना कोई मौजूद होता है। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ मौजूद होता है, जो ये देखता है, सुनिश्चित करता है कि पेट्रोल पूरी तरीके से भर गया। तो कोई ऐसा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था जो ये सुनिश्चित करता और उस कार वाले को यह अंदेशा देता कि सर आप रुकिए, अभी थोड़ी देर, अभी आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है। इसी वजह से यह हादसा हुआ। पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वहां पर, वो इस घटना के बाद बुरी तरीके से आग बुझाने पर काबू करने की कोशिश करने लगी। दमकल की गाड़ियां पहुंची लेकिन काफी तेज आग बढ़ चुकी थी। हालांकि बहुत जल्द उस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पेट्रोल पंप है, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल पंप में नीचे जमीन में कुओं में तेल रखा जाता है, बड़े बड़े टैंकर बनाकर रखा था, बड़ा हादसा हो सकता था। कम से कम ये राहत की बात है कि दो ही लोग झुलसे, वहां तो बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। बिल्कुल, काफी बड़ा पेट्रोल पंप है और काफी नीचे टैंक होता है, नीचे काफी ज्यादा स्टोरेज किया जाता है पेट्रोल डीजल दोनों। और जिस तरीके से आग लगी थी, अगर इस पर जल्दी काबू नहीं पाया जाता तो शायद ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, काफी ज्यादा लोग इसमें हताहत हो सकते थे। लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह रही कि सिर्फ दो लोग अभी इसमें जख्मी हुए हैं, बाकी बहुत जो बड़ी दुर्घटना थी वो एक तरीके से बच गई। और क्या कहा जा रहा है पेट्रोल पंप के प्रबंधन की तरफ से, उनके कर्मचारी वहां मौजूद क्यों नहीं थे, जो कम से कम उस गाड़ी वाले को बताते कि अभी पेट्रोल भरा जा रहा है, आप आगे ना बढ़े, इस बारे में कोई सफाई उनकी तरफ से दी गई? बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस पहुंची थी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। और वो सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखने की कोशिश करें कि जिस वक्त वहां पर पेट्रोल पंप के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी वाले को सुनिश्चित किया जाए कि जब पेट्रोल भर जाए तभी गाड़ी आगे जाए, तो इस पूरे मामले में अब एक एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है
रहा है कि पेट्रोल पंप के लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, जो उनकी जो उन्होंने जिस तरीके से गाड़ी वाले को आगे जाने का संकेत दिया या गाड़ी वाले की गलती थी, दोनों गलतियों को देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जिसकी गलती वहां पर हो उसे कड़ी से कड़ी उस पर सजा की जाए। और कोशिश यह है कि आगे से सुनिश्चित किया जाए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते वक्त एक गार्ड ऐसा जरूर हो जो गाड़ी वालों को इशारा करे, और कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा पूरी मामले की इन्वेस्टिगेट की जा रही है। बिल्कुल, मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था। इसमें दो लोग झुलसे हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन आपको भी याद रखना होगा कि जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए या डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाएं तो जल्दबाजी ना दिखाएं, पूरी तरह से इस बात का इत्मीनान कर लें कि पेट्रोल भर चुका है, आपकी टैंकी पर नोजल लगा दिया गया है, पाइप बाहर निकाल ली गई है, तभी गाड़ी को आगे बढ़ाएं, वरना इतना बड़ा हादसा जो आप टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हो गया। हालांकि पेट्रोल पंप है, वहां पर डीजल तो बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं, पेट्रोल पंप में नीचे जमीन में टैंकर बनाकर पेट्रोल और डीजल रखा जाता है। हादसा बड़ा भी हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह रही कि दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जल्द से इस आग पर काबू पा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर जाएं तो कम से कम इस बात का खास ध्यान रखें कि पेट्रोल जब भर जाता है गाड़ी में, नोजल लग जाता है, आपकी गाड़ी की पेट्रोल की टैंकी बंद कर दी गई है, तभी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं।